हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पवन फिटनेस। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? सबके लिए फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। फिट हर कोई रहना चाहता है लेकिन किसी को टाइम नहीं मिल पाता, कोई मनी अरेंज नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स मैं आपको आज सारी आपकी टोटल चीजें क्लियर कर दूंगा और पुशअप के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। पुशअप की आठ टोटल एक्सरसाइज के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपको अगर कोई भी चीज आज नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स अपन बात करने वाले पुशअप के बारे में। तो फ्रेंड्स पुशअप के कितने प्रकार है और किस तरह से पुशअप लगाया जा सकता है और किस किस तरीके से पुशअप लगता है, और जिनसे नहीं लग पाता तो उनकी मैं आपको प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगा और पुशअप लगा के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार, तो अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज के बारे में डाइट प्लान सब कुछ ऑल टोटल डिटेल में आपको देने वाला हूँ और आगे वीडियो के अंदर मैं देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स अपन को जो पुशअप के बारे में, तो अपन सबसे पहले आता है नॉर्मल पुशअप। तो फ्रेंड्स अपन नॉर्मल पुशअप अपन सब जानते हैं, पहले उस नहीं जानते तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल पुशअप भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स अपन नॉर्मल पुशअप की तरफ बढ़ते हैं और नॉर्मल पुशअप करके देखते हैं कि कैसे होता है और इसके फायदे क्या है। सारी डिटेल मैं आपको इस आगे इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार और चलिए अपन देखते हैं कि नॉर्मल पुशअप करके कि नॉर्मल पुशअप कैसे होता है, और जिनसे नहीं होता तो गारंटी में उनको करके उनको करवाने की पूरी कोशिश करवाऊंगा और उनसे होगा भी। तो फ्रेंड्स चलिए हो जाइए तैयार और अपन देख रहे हैं नॉर्मल पुशअप की तरफ।
फ्रेंड्स अपन नॉर्मल पुशअप कंप्लीट कर लिए, तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं डिक्लाइन पुशअप की तरफ। तो फ्रेंड्स डिक्लाइन पुशअप के क्या फायदे हैं और इसको करना कैसे और कितने इसके रेपिटेशन लगाने हैं और कितने रेप इसमें निकालने हैं, तो फ्रेंड्स इसकी टोटल जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ आपको। और जिनसे नहीं हो पाएगा तो पूरी गारंटी श्योरिटी है कि इस पुशअप को मैं आपको करवा के मानूंगा। तो फ्रेंड्स हो जाइए आप इस पुशअप के लिए भी तैयार। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला पुशअप अपना डिक्लाइन पुशअप है, उसके बाद में मैं आपको 6 एक्सरसाइज टोटल करवाने वाला हूँ तो फ्रेंड्स पुशअप की, तो उससे आपका चेस्ट बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिट हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी उससे ग्रोथ में रहेगी। आप जिम करो या नहीं करो, जिम करके छोड़ दो तो भी आपकी बॉडी वैसी की वैसे रहेगी, उन पुशअप का फ्रेंड्स ये फायदा होता है। तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं अगले पुशअप की तरफ, डिक्लाइन पुशअप की तरफ, तो फ्रेंड्स वो करके देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हो जाइए डिक्लाइन पुशअप के लिए तैयार और चल रहे हैं अपन। फ्रेंड्स डिक्लाइन पुशअप अपन ने अब क्लियर कर लिया है, तो फ्रेंड्स अब अगले पुशअप के लिए तैयार हो जाइए। अब अगला पुशअप अपन करेंगे इक्लाइन पुशअप। तो फ्रेंड्स इक्लाइन पुशअप भी आप देख पाएंगे अभी कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ और इसके भी क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके लिए भी तैयार रहिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सरसाइज के साथ साथ प्रोटीन और कार्ब्स लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।
तो अपन चल रहे हैं अब इस पुशअप की तरफ कि कौन सा पुशअप अपन को करना है, क्लाइंट पुशअप करना है और ये किस तरह से अपन को करना है, कितने रेपिटेशन इसके लगाने हैं। तो फ्रेंड्स वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगली इसकी तरफ पुशअप की तरफ, तो देखते हैं ये पुशअप कौन सा। तो फ्रेंड्स क्लाइंट पुशअप की तरफ अपन चल रहे हैं और इसको करके देखते हैं कैसे होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बेंच एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि बेंच एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स अपन बेंच एक्सरसाइज भी अभी करके देखेंगे कि किस तरह से होती है, और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स बेंच एक्सरसाइज के भी बहुत फायदे हैं, तो आप ये एक्सरसाइज करके देखिए, जो भी मैंने 5-7 आपको एक्सरसाइज बताई है जो कम्प्लीटली आप एक बार करके देखना।
तो फ्रेंड्स, और आगे मैं आपको एक्सरसाइज थोड़ी बताने वाला हूँ, उसके बाद में आपको जो अगले वीडियो होंगे उनमें डाइट प्लान सबके बारे में आपको प्रॉपरली बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी अपन ये वीडियो देख लेते हैं और इसमें क्या अपन को करना है, किस तरह से करना है। और इसमें अगर नहीं आए तो फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं अब, जो अपन जो डायमंड पुशअप लगाएंगे तो उसकी तरफ चलेंगे उसके बाद में। तो डायमंड पुशअप बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर इससे पहले अपन जो आपको बेंच डिप्स के बारे में बता रहा हूँ तो वो कर लेते हैं पहले, और वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में पुशअप के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे होती है और इसके फायदे भी क्या है।
फ्रेंड्स मैंने आपको बीच में बताया कि दो पुशअप लगा के, और बताया था कि उनसे भी बहुत, मतलब उनसे भी अपना चेस्ट बिल्कुल कवर में रहता है, और मतलब ऐसे नहीं कि कई बार अपन देखते हैं कि हमारे कई कमेंट भी आते रहते हैं कि हमारा चेस्ट ग्रो नहीं कर पा रहा, चेस्ट चौड़ा नहीं है, या चेस्ट फूल नहीं पा रहा, या शोल्डर नहीं हो पा रहे, बैक नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएगी। ट्राइसेप की बहुत बहुत से कमेंट आते हैं कि ट्राइसेप नहीं हो पा रही, तो फ्रेंड्स इनसे मत इनकी ये इनके सारे फायदे होंगे, और इनसे मतलब पूरी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंदर, आगे भी अभी बताता रहूंगा फ्रेंड्स मैं, तो इसी के बारे में अपन पूरी ये जानकारी लेंगे अभी, पुशअप के बारे में ऑल टोटल जानकारी। तो पुशअप के बारे में अगर किसी का कोई सवाल भी रहेगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर पूछना फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं अपन अगले पुशअप की तरफ चलते हैं कि कौन सा अपन को पुशअप अप करना है। तो फ्रेंड्स अब अपन को डायमंड पुशअप करना है, तो डायमंड पुशअप किस तरह से करना है और इसके फायदे क्या है और कैसे हो पाएगा डायमंड पुशअप, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये थोड़ा टफली होता है, तो मतलब ये हो नहीं पाता, तो और इतना वो भी नहीं है कि टफ नहीं है कि जो अपन से हो नहीं पाएगा फ्रेंड्स ये। तो अपन इसकी तरफ चलते देखते हैं अगर ये किस तरह से होता, तो मैं आपको गारंटी ये करके बताऊंगा, और आप भी इसको कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओ तो मुझे कमेंट जरूर करना कि बताना कि कैसे नहीं हो पा रहा, मैं उसको स्पेशली बताऊंगा वापस वीडियो बना के किस तरह से इसको करना है। पर मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आप इसी वीडियो में सीख जाओगे कि किस तरह से आपको डायमंड पुशअप करना है, क्योंकि डायमंड पुशअप हो नहीं पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डायमंड पुशअप मतलब कि त्रिभुज की आकृति में या डायमंड की आकृति में अपन को हाथ को रखना है, और फिर उस तरह से अपन को बिल्कुल स्लो, जो अपन नॉर्मल पुशअप करते हैं उससे भी स्लो अपन को नीचे जाना होता है, और उससे भी स्लो अपन को ऊपर उठना होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल स्लो स्लो इसको करना होता है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा इसलिए टफली होता है, और अपन अगर एक बार डायमंड पुशअप के लिए नीचे झुकते हैं तो उस टाइम अपन को उठ नहीं पाते हैं, तो इसमें ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि अगर ये पुशअप किस तरह से अपना होगा, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले पुशअप की तरफ, डायमंड पुशअप की तरफ। तो फ्रेंड्स इसको करके देखेंगे अभी, तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार और डायमंड पुशअप के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स अपन ने इस वीडियो के अंदर पूरे पुशअप की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, मैंने आपको बता दिया है कि डायमंड पुशअप भी आपको किस तरह से करना है, जो आपने कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से आपने सीख लिया होगा, अगर नहीं हो पा रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, पर मुझे पक्का विश्वास है कि आपने पुशअप सीख लिया होगा। पर 2-3 दिन इस पुशअप के अंदर आपको डायमंड पुशअप के अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी, पर अपने आपसे कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपकी पुशअप की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पर इसके साथ साथ आपको प्रोटीन कार्ब्स और भी अन्य डाइट आपको फ्रेंड्स लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको डाइट के अंदर क्या चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगला वीडियो डाइट के लिए बनाऊंगा फ्रेंड्स आपका, कि आपको क्या डाइट में खाना क्या नहीं खाना, जिससे आपकी बॉडी ग्रो हो जाए, बिल्कुल बॉडी फिट रहे, आपका फैट भी नहीं आए, मसल्स वगैरह सारे गेन करती रहे, साथ के साथ आप एक्सरसाइज करो तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, आपकी बॉडी गिरे भी नहीं और नॉर्मल सारा सब कुछ ठीक रहे और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाए। फिट हर कोई रहना चाहता है फ्रेंड्स, पर अगर कर नहीं पाता या तो उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, कुछ ना कुछ उसके प्रॉब्लम जरूर रहती है, तो इस कारण फिट हो नहीं पाता। तो फ्रेंड्स मैं पूरी श्योरिटी के साथ पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ फ्रेंड्स आपको कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, मतलब जिसको जैसी मसल्स चाहिए वो बन के रहेगी फ्रेंड्स। तो मेरे अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा सके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगला वीडियो मैं डाइट के लिए बना सकता हूँ, तो इंतजार करिएगा फ्रेंड्स। और अगर कोई भी चीज़ आपको बताना, अगर अगला वीडियो किसके बारे में बताऊँ तो आज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो उसके बारे में बनाऊँ, तो वो आपका वही वीडियो आपके लिए बनेगा। थैंक्स फॉर यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।